क्यूट सी प्यारी सी फोटो एडिटिंग आप लोगों के सामने लेके आ गया। तो आप लोग का फोटो बेकार है, स्टेटस लगाने की भी काबिल नहीं है। जो फोटो उसी फोटो को आप एक क्लिक में ही कुछ बहुत ही शानदार और फुल एचडी जितना जूम करोगे कुछ नहीं कर पाओगे उसी टाइप की फोटो एडिटिंग कर सकते हो आसानी से। बहुत ही एक अच्छी ऐप लेके आ गया आप लोगों के सामने। तो ऐप की एडिट दिखाने से पहले फास्ट आपको क्या करना है, टूल विज एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन देख रहे हो टूल विज, ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो इस एप्लीकेशन को जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो अभी टूल विज एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा आपको, ठीक है भाई। तो मैंने देख रहे हो टूल विज ऐप जो है हमारा उसको ओपन कर दी। ओपन कर देने के बाद हम इस पे माय एल्बम पे चले जाएंगे, ठीक है। तो माय एल्बम पे आ जाने के बाद हमको इधर हमारा जो फोटो है फोटो को लेके जाएंगे भाई, ठीक है। तो हमारा फोटो देख रहे हो ये है हमारा फोटो। तो इस फोटो को कुछ बहुत ही अच्छा और फुल एचडी जितना जूम करोगे 4K वीडियो भी बना सकते हो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसी टाइप की एडिट करना है तो आपको क्या करना है, फास्ट इसको लेके जाना है एडिट पे, ठीक है। तो एडिट टच कर लिया, तो एडिट टच कर देने के बाद हमको फास्ट टूल्स पे चले आना होगा। टूल्स पे आ जाने के बाद इधर रिसाइज जो है रिसाइज पे एक बार टच कर लेंगे भाई, ठीक है। तो रिसाइज पे टच कर देने के बाद हम कुछ इसका साइज 2563 कर लेंगे। तो अभी ओके कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप की कर देने के बाद साइज जो है वो अच्छी हो जाएगा, ठीक है। तो फोटो जो है फोटो का क्वालिटी थोड़ा कम हो गया। तो हो जाने के बाद अभी आपको जो करना है कम कर देने के बाद क्वालिटी को आपको इधर जो टूल्स दिख रहे हैं तो इस सेकंड टूल्स से चले जाना होगा। तो सेकंड टूल्स पे आ जाने के बाद हमको फास्ट इस पे चले जाएंगे और इसका जो क्वालिटी है इसको कम कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो ज़्यादा हो रहा है तो इतना सा, ठीक है, इतना सा कम कर लिया क्यों कैसे कि जैसे कि इसका जो क्वालिटी है कुछ अच्छी से लगे, ठीक है। तो आप इसको ठीक कर देना होगा, ठीक है। लाइट जो है ये ठीक हो गया। तो इस टाइप की हो जाने के बाद फिर आपको जो करना है वो दिखाएंगे। तो अभी आपको इधर कलर टोन पे चले जाना होगा, ठीक है। तो कलर टोन पे आ जाने के बाद कलर को थोड़ा ले लेते हैं, सॉरी, कुछ इस टाइप की इधर आके ले लेंगे इसको, सर जस्ट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अभी इस टाइप की करके बढ़ा लेंगे और इसको येलो को थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है। तो इतना थोड़ा कर लेने के बाद आपको ठीक कर देना होगा, ठीक है। तो अभी हम ठीक कर देने के बाद आपको सेव करके नहीं स्क्रीन शॉट कर लेता हूँ, ठीक है, स्क्रीन शॉट करता हूँ, ठीक है। तो देख रहे हो हमारा फोटो जो है उस स्क्रीन शॉट हो गया। तो स्क्रीन शॉट होगा तो आप लोग को पता ही है क्वालिटी बहुत ही कम होगा। तो कम हो जाने के बाद अभी तुमको दिखा देता हूँ क्या करना है। तो अभी आपका प्ले स्टोर फोन का जो प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लेना होगा, ठीक है। तो डाटा को ऑन कर लेता हूँ, डाटा ऑन हो गया। तो हो जाने के बाद हम इधर सर्च करेंगे RemiAI, ठीक है। तो रिमिनी, ठीक है, रिमिनी एप्स जो है बहुत ही शानदार और गजब की है। तो इसको देख रहे हो कुछ इस टाइप की फ़ोटो को आफ्टर बिफोर देख रहे हो, कुछ इस टाइप की फ़ोटो को कुछ इस टाइप की बना सकते हो, देख रहे हो बहुत ही गजब की है ये एडिटिंग एप्स। तो देख रहे हो तो अभी कैसे डिटेल्स आ रहा है। तो अभी आपको दिखाएंगे इसको, हमारा जो है अपडेट इधर आ रहा है। तो आप लोगों को सामने अपडेट नहीं आएगा, आप लोगों को सामने इंस्टॉल डाउनलोड लिखा आएगा। तो डाउनलोड कर लेना होगा इस ऐप को, ठीक है। तो मेरा डाउनलोड किया हुआ है तो हमारा इसलिए अपडेट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम हमारा जो रिमिनी ऐप है तो रिमिनी ऐप्स पे चले जाएंगे, ठीक है। आप लोग को जाना है तो ऐप्स डाउनलोड कर लेने के बाद आप एडिट कर पाओगे, ये बात नहीं है भाई, वीडियो को देखना होगा इसके बारे में क्या करना होगा तो बाद में तुम देखना, ठीक है। तो अभी तुमको रिमिनी ऐप डाउनलोड कर लो। रिमिनी ऐप डाउनलोड कर देने के बाद इधर आपको फास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। तो क्लिक कर हो जाने के बाद हम इसको स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ, देख रहे हो स्क्रीनशॉट है हमारा। तो स्क्रीनशॉट को हम ठीक कर लेंगे, ठीक है भाई। तो मेरा जो स्क्रीनशॉट था इसको हम ठीक कर ली। तो अभी देख रहे हो थोड़ा लोडिंग होगा कुछ
कुछ इस टाइप की लोडिंग हो जाने के बाद आपके सामने ऐड भी दिखाई देगा, तो ऐड को फुल देखना, ठीक है। हाफ ऐड देखोगे तो आपका जो फोटो है वो एचडी नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो अच्छी एचडी नहीं बनेगा, एडिटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद में जो ऐड आएगा दिखाई देगा, देख रहे हो मेरे पास एक ऐड आया, तो ऐड को हमको फुल देखना होगा, ठीक है। तभी तो हमारा जो एडिट है उसको कर पाओगे, ठीक है। इधर काट पे नहीं मानना, ठीक है। तो ऐड जो है उसको पूरा देखना होगा। तो अभी हम इसको काट कर लेता हूँ। ये ऐड जो आया है, इस ऐड में आप लोग इस ऐड में आप लोग एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो टाइम नहीं आ रहा है, तो इसको काट कर सकता हूँ अभी। तो अब मैंने इसको काट कर ली। तो काट कर देने के बाद हम इसको जूम करेंगे, हमारा जो फोटो है उसको हम जूम कर लेंगे, ठीक है। तो जूम कर देने के बाद डिटेल्स जो है आप लोग देख रहे हो, बहुत ही शानदार गजब की दिखाई दे रहा है, ठीक है, देख रहे हो। तो अवतार बिफोर, अवतार बिफोर आप लोगों के सामने ही, अवतार बिफोर तो देख रहे हो, अवतार और बिफोर। तो अभी इस टाइप की हो जाने के बाद आपको सेव कर लेना होगा, ये जो फोटो है हमारा इसको हम सेव कर देंगे। तो इसको काट पे आएंगे, ये देख रहे हो हमारा जो स्क्रीनशॉट था ये सेव हो गया। तो सेव हो जाने के बाद आपको ऑटोजिक्स में जाके फेस को स्मूथ कर लेना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को जिनको ऑटोजिक्स का एडिटिंग पता नहीं है, तो उन लोग वीडियो मेरा एक सर्च कर लो, ऑटोडेस्क फोटो एडिटिंग मिस्टर संजीव सर्च कर लो तो मिल जाएगा। तो अभी आपको जो कहना है, तो ये ऐप डाउनलोड करके ज़्यादा नहीं एक फ़ोटो एडिटिंग करके देख लो, ठीक है। फेसबुक में जो फोटो अपलोड किए हो उस फोटो को डाउनलोड करके इस रिमिनी ऐप में देख जाके देख सकते हो। और इसमें 4K वीडियो जो आ रहा है, ज़्यादातर इस ऐप का ही फोटो को एडिट करते हैं और 4K वीडियो बनाते हैं। भाई हमारा वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट कर देना भाई, ठीक है। तो और एक लाइक भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉच।